नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पटवाल जॉब अपडेट में। उत्तराखंड में निकलने वाली लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। आप सभी को पता होगा 451 पदों पर अल्मोड़ा जिले ने 124 पदों पर विज्ञप्ति निकाल दी थी। उसी क्रम में पिथौरागढ़ जिले ने 194 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति निकाल दी है। आप सभी को पता होगा कि पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा पोस्टिंग पिथौरागढ़ में थी 194, उसमें पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ने 194 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी है आज 23 अक्टूबर को। तो आइए जानते हैं, पूरी वीडियो में आप बने रहें। इसमें कहा गया है उत्तराखंड कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़, इसमें विज्ञप्ति रिलीज की गई है उनके द्वारा। इसमें कहा गया है उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 2021-18 दिनांक 21 अक्टूबर 2021 के अनुपालन में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड के देहरादून के कार्यालय प्रताप संख्या 2021 बैच दिनांक 21-10-2021 के अनुपालन में उत्तराखंड राज्य के प्राथमिक शिक्षा संशोधन सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित सेवा नियमावली 2019 के नीति प्रावधानों के अधीन जनपद पिथौरागढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक ग्रेड बी के लेवल से के पदों पर दिव्यांगजन बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। रिक्त पदों की जो संख्या थी वो 194 पद है। आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा पिथौरागढ़ में थी। यहाँ पे 52 आपकी जनरल वालों के लिए, 21 अनुसूचित जाति के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 12 और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और यहाँ पे योग 105 है, ये सामान्य के लिए है। उसके बाद उत्तराखंड महिला शाखा, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतंत्रता सेनानी और अनाथ, टोटल यहाँ पे जो पोस्टें हैं आपकी वो जनरल के लिए 86 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 32 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 23 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 16 हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 हैं और टोटल आपकी 194 पोस्ट हैं। आपकी पात्रता इसमें जो मैंने अल्मोड़ा वाली वीडियो में बता दिया था सेम वही पात्रता है। अब आपको बता देते हैं इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ये वही जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए जो मांगी गई थी सेम उसमें ये मांगी, ये प्रारूप है आपका। तो आप इसमें पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आपको आवेदक का नाम भरना है, माता का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, हाई स्कूल प्रमाण पत्रों के अनुसार, गृह जनपद, स्थायी पता, पत्र व्यवहार का पता, विज्ञान वर्ग और दिनांक 1/7/2021 का आपको एज काउंट होगी। आपको मोबाइल नंबर भी यहाँ पे देना है, ये बड़ी बात है। आपको मोबाइल नंबर अगर आपका कोई प्रॉब्लम होता है आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक BLED DLED ये पूरी यहाँ पे डिटेल्स मांगी गई है। सेम वही जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो फॉर्म है वही यही है, आपको सेम वही फॉर्म कॉपी करना है और इसमें वही मांगा गया है। आप इसको अगर आपको चाहिए तो आप इसको जूम इन करके इसका फ़ॉन्ट में भी इसे चेंज कर सकते हैं। बाकी इसमें अगर कब तक इसको भरना है इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको आगे देता हूँ। और जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमने बताया था इसमें भी विज्ञप्ति संख्या जो आपका प्राप्त संख्या है वो ऊपर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। आप इसको जो आपका लिफाफे के अंदर आप भेजोगे उसी में आपको सबसे ऊपर पे टॉप में यही मैसेज करना है, यहाँ पे लिखा है प्राथमिक शिक्षा 45-33-34- विज्ञप्ति 2021-22 आपको लिखना है उसमें, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लें। अब हम बात करते हैं इसकी जो अंतिम तिथि है वो कब है और इसमें कैसे इसको भरना है। तो इसमें कहा गया है, इसमें यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अभ्यर्थी की जो आयु होगी वो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक काउंट होगी। और अगर हम अंतिम तिथि की बात करें इसमें कहा गया पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र पंजीकृत स्पीड पोस्ट, आपको स्पीड पोस्ट या डाक के द्वारा दिनांक 15/11/2021 तब शाम 5 बजे तक हदौसारी कार्यालय में स्वीकार किए जाएंगे। जो आपका लास्ट डेट वो आपको 15 नवंबर को रखी गई है, 15/11/2021 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसमें आपको सेल्फ पार्टिसिपेट करने जैसे आपको अल्मोड़ा वाले में करने था, अन्य तिथि के समय के पश्चात कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। साधारण डाक कोरियर दस्ती आवेदन पत्र किसी भी समय स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे बोला गया है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा 15 तारीख तक नवंबर तक भेजना है शाम के 5 बजे तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा पिथौरागढ़ को, ठीक है। और आगे कहा आवेदन के पत्र के लिए लिफाफे में मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ हेतु आवेदन पत्र विज्ञप्ति संख्या सहित अवश्य अंकित करें, डाकघर द्वारा दिए गए विलंब हेतु हदौसारी कार्यालय की उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको जो लिफाफा है लिफाफे के अंदर आपको लिखना है सहायक, जो फर्स्ट में आपको लिखना है मोटे अक्षरों में सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद पिथौरागढ़ हेतु आवेदन पत्र और जो विज्ञप्ति संख्या है वो मैंने आपको ऊपर में बता दिया, आपको वो लिखना मेंशन करना है, ठीक है। एक बार मैं आपको विज्ञप्ति संख्या फिर से यहाँ पे विज्ञप्ति संख्या मैंने पढ़ भी दिया था 45-33-34 विज्ञप्ति 2021-22 ये आपको मेंशन करना है, ये बोला गया। और इसमें वही कहा गया कि आपको हदौसारी करना है, आपका लिफाफा 30 रुपये के लिफाफे में आपको 30 रुपये के डाक टिकट के सहित संलग्न प्रेषित करना है, 30 रुपये का जो डाक टिकट उसमें आपको प्रेषित करना है। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो आपको डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं इसमें नीचे यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्यूमेंट पूरे, हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्नातक पूरी डिटेल्स भरना है और उसमें 30 रुपये के डाक टिकट लगा के इसको जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा पिथौरागढ़ को 15 नवंबर तक आपको भेज देना है। तो ये पिथौरागढ़ की जो वैकेंसी थी वो निकल गई है। तो आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। अगर किसी को फॉर्म चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से फॉर्म ले सकते हैं, हमने वहाँ पर
फॉर्म प्रोवाइड कर दिया है। बाकी और जिलों की जो लिस्ट आएगी आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।